इसको कैसे लगाया जाता है आपका, इसका एक डायग्राम भी दे देता हूँ मैं आपको अलग से। 565 STR, इसमें भी आपको एक फिल्टर चाहिए कनेक्शन लगाने के लिए, ठीक है, 500 वोल्ट फिल्टर। एक आपको चाहिए वही SMPS, इस पे लगा हुआ होगा आपका एक स्विचिंग पार्ट चाहिए आपको, ठीक है। MOSFET बना दे रहा हूँ मैं, यही सर्किट आते हैं आजकल ज़्यादातर। और इसके अलावा जो दूसरी वाइंडिंग होती है SMPS में, वो भी चाहिए। दूसरी वाइंडिंग में एक पिन ग्राउंड होती है और एक पिन पे एक डायोड लगा हुआ होता है, ठीक है। और तीसरा आप और चाहिए होता है आपको इसमें कपलर। इसमें सिर्फ आपको कनेक्शन लगाने के लिए एक डायोड बढ़ गया है, बाकी वही कनेक्शन लगाने जैसे डब्बी में लगे थे। इसमें कैसे कनेक्शन लगेंगे, इसमें जो आपका ये ब्लैक वायर है और एक ये जो ग्रीन वायर है, ठीक है, ये आपका लगेगा फिल्टर पे ब्लैक वायर, ठीक ठीक, और ग्रीन वाला आपका लगेगा ये प्लस पे। ठीक है, इसके बाद होती है तीसरी वायर येलो। येलो लगेगी वही जैसे कि रेड लगाई थी आपने डब्बी में, इसमें येलो लगेगी यहाँ पे वही जिस पिन पे 300 वोल्ट आ रही होगी। चेक कैसे करना है, बजर से एक पिन प्लस पे रखो और एक पिन स्विचिंग पार्ट्स पे चेक कर लो कौन से पे बीप आ रही है, उसी पे लगेगी ये येलो वायर, ठीक है। इसके बाद लगेगी आपकी ये रेड वायर। रेड वायर में एक कन्फ्यूजन है जो आती है बच्चों के सामने, मैंने देखी है कि क्या होता है कि स्विचिंग में दो डायोड होते हैं, एक डायोड जो है आपका स्विचिंग में ऐसा भी होता है जो कि फिल्टर की प्लस से और मॉस्फेट की तरफ लगा हुआ होता है, दो डायोड होते हैं, ठीक है। और मैं इस सप्लाई में अगर आपको दिखाऊं तो इसमें भी दो ही होंगे, ठीक है। एक डायोड देखो ये लगा हुआ है, देख रहे हो ना, पर ये मॉस्फेट से जुड़ा लगा हुआ है 300 वोल्ट पे, और एक डायोड ये भी लगा हुआ है, तो इसमें ये वाला डायोड हो गया, वो वाला नहीं हुआ 300 वोल्ट वाला, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो ये जो रेड वायर है ये जो है इस डायोड पे लगेगी जो कि मॉस्फेट से अलग लगा हुआ होगा, यहाँ पे रेड वायर, ठीक है। और लास्ट में हो गई आपकी ये वाइट वायर, ये वही लगेगी सेम कपलर पे जैसे आपने ग्रीन लगाई थी डब्बी में, अब लगेगी वाइट। इसमें एक पिन ग्राउंड होगी कपलर की और जो उसकी अपोजिट पिन होगी उस पर लगेगी वाइट वाइट वायर, ठीक है। ये आपके कनेक्शन ये ऐसे लगेगी, बस ये डायोड में कन्फ्यूजन होगी तो आप देख लेना, जो डायोड मॉस्फेट से जुड़ा हुआ है उस पर नहीं लगेगी, जो अदर लगा हुआ है अलग से जो मॉस्फेट से जुड़ा हुआ नहीं है उस पर लगेगी ये रेड वायर, ठीक है। अब इसमें अगर ये लगाना है तो इसमें ये दो डायोड लगे हुए हैं, दोनों एक जैसे हैं, तो मैं कैसे पहचानूंगा, नीचे देख लूँगा। तो इसमें जो ये प्लस आ रही है ये आ गई यहाँ पे प्लस पे, यहाँ से यहाँ इधर तो लगानी है डायोड, यहाँ से यहाँ एक है ये रजिस्टर है, ये लगा हुआ है ये वाला, ये जो लगा हुआ है ये वाला, ये 300 वोल्ट पे लगा हुआ है, ये यहाँ से यहाँ लगा है। अब ये जो है घूम के इधर आ रहा है फिल्टर पे प्लस पे, तो ये 300 वोल्ट से जुड़ा लगा उस पर नहीं लगाना है। अब जो दूसरा डायोड है वो इन दो में से एक पे होगा, ये लगा है यहाँ से यहाँ, ये लगा हुआ है ये रहा, इस पर लगानी है वायर, ये लगा है यहाँ से, ये 300 वोल्ट पे लगा हुआ नहीं है भाई, यही आपको देखना है। STR आपका लगेगा इस तरीके से, ठीक है, होना चाहिए, ठीक है, सीधा इसी में आने चाहिए STR में। ये आला डायोड का जो ये पॉइंट है ये भी PCB से जुड़ा नहीं होना चाहिए, ऐसे ही ये MOSFET जो है आपको रिमूव करना होगा, ये भी PCB से कनेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो STR ऐसे लगता है किसी भी सप्लाई में। कोई सवाल है?